टॉप थ्री बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 80,000। तो यार अगर आपका बजट 18,000 है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं आज आपको टॉप थ्री नहीं बताऊंगा, टॉप फाइव स्मार्टफोन बताऊंगा। तो बात करते हैं नंबर फाइव की। नंबर फाइव की बात करने से पहले भी मैं आपको इतनी बात कह देना चाहता हूँ कि वीडियो के एंड में मैं कंक्लूजन बताता हूँ कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होने वाला, तो उसको मिस आउट मत किया करो, बिकॉज वो आपको ही बेनिफिट करेगा। सो दैट्स वाई मैं आपको कह रहा हूँ। तो अभी बात करते हैं नंबर फाइव की। नंबर फाइव की बात करूँ, नंबर फाइव पर यार मैंने रखा है सैमसंग गलेक्सी M31S को। तो भाई अगर आपका बजट 17,000 है, आपको एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए, आप इस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो। सैमसंग की ओर से इस प्राइस रेंज में आपको दो स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं, एक आता है सैमसंग गलेक्सी M31S, एक आता है सैमसंग गलेक्सी F41। लेकिन मैं आपको जो रिकमेंड करने वाला हूँ वो सैमसंग गलेक्सी M31S ही करने वाला हूँ, बिकॉज आपको एक प्रीमियम डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, कलर वगैरह बहुत ही ज़्यादा सही है। अगर आपको एक स्टाइलिश डिज़ाइन चाहिए, बिग बैटरी चाहिए, अच्छी डिस्प्ले चाहिए, अच्छा कैमरा चाहिए, ये स्मार्टफोन आपके लिए परफेक्ट डील होने वाला है। अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो सबसे पहले ये आपको जुलाई 2020 मॉडल देखने को मिल जाता है, दो कलर्स में देखने को मिलता है, एंड दोनों कलर इस स्मार्टफोन को बहुत ही ज़्यादा सूट करते हैं। ब्लैक कलर एंड ब्लू कलर में आपको देखने को मिलेगा। आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन के साथ देखने को मिलती है। तो आपका इनडोर एक्सपीरियंस एंड आउटडोर एक्सपीरियंस बहुत सही होने वाला है। एंड अगर आप नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो, यूट्यूब वीडियो देखने के ज़्यादा शौकीन हो, आपके लिए भी ये स्मार्टफोन परफेक्ट डील होने वाला है। अगर मैं चिपसेट की बात करूं, अगर आपने गेमिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, तो मैं आपको इतना रिकमेंड नहीं करता। तो दैट्स व्हाई मैंने इसको नंबर फाइव पर रखा, बिकॉज इसमें आपको एक्सनॉक्स 9611 देखने को मिल जाता है, जो कि इतना प्रोसेसर तगड़ा नहीं है एज कंपैरिजन किया जाए, जो मैं आगे आपको स्मार्टफोन बताऊंगा। ठीक है, दो वेड में स्मार्टफोन देखने को मिलता है, 6GB रैम के साथ, 8GB रैम के साथ, प्लस आपको माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट भी मिल जाता है, तो स्टोरेज का कोई पंगा नहीं रह गया। ट्रिपल कैमरा मिल जाता है 64 मेगापिक्सल के साथ, उसमें आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो, प्लस आपको 32 मेगापिक्सल सेल्फी मिल जाती है, सेल्फी में भी आपको 4K वीडियो ऑप्शन देखने को मिल जाता है। 6000mAh की बैटरी मिल जाती है, 33W का फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक वगैरह भी देखने को मिल जाता है सैमसंग गलेक्सी M31S में। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया सैमसंग गलेक्सी M31S के। प्लस मैं आपको ये चीज भी बता देना चाहता हूँ कि इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत सही है। अगर आपको व्लॉगिंग के लिए चाहिए, रील्स बनाते हो, टिकटॉक बनाते हो, आपके लिए बेस्ट डील होने वाली है। अगर आपको बिग बैटरी चाहिए, अच्छी डिस्प्ले चाहिए, आप सभी के लिए ये स्मार्टफोन परफेक्ट डील होने वाला है। तो आप एक बार चेकआउट कर लेना। अगर आपका बजट 15,000 से लेकर 17,000 है, 18,000 है, इस प्राइस रेंज में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। दो मिनट में आता है, 6GB की ओर जाना चाहते हो आप उसके ओर जा सकते हो, अगर आपने 8GB की ओर जाना है आप उसके ओर भी जा सकते हो। बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो चेकआउट कर लेना अगर चेकआउट करना चाहते हो। आगे बात करते हैं नंबर फोर की। नंबर फोर की बात करूँ, नंबर फोर पे यार मैंने रखा है मोटो G16 को। तो भाई अगर आपको एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए, या फिर अगर आपने लाइक मोटो की ओर जाना है, आपके लिए ये स्मार्टफोन परफेक्ट डील होने वाला है। अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, आपको अप्रैल 2021 मॉडल देखने को मिल जाता है, 6.8 इंच के साथ आपको IPS LCD मिलेगी, जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है। उसके बाद आपको 6GB प्लस 128GB वेरिएंट जो है वो आपको 17,000 के प्राइस रेंज में प्रॉक्स देखने को मिल जाता है। स्नैपड्रैगन 732G देखने को मिल जाता है, जो कि 8nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। लाइक अगर आपने मल्टीटास्किंग करनी है, गेमिंग करनी है, आपके लिए ये स्मार्टफोन परफेक्ट डील होने वाला है। आपको 108 मेगापिक्सल के साथ ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, जिस पर आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो, 30fps पर 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है, सेल्फी में भी आपको 4K ऑप्शन मिल जाता है, 6000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है मोटो G16 में। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया मोटो G16 के, लाइक इसका कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है। 4K में शूट करना चाहते हो, फ्रंट कैमरे में, बैक कैमरे में, व्लॉगिंग करनी है, रील्स बनानी है, टिकटॉक बनानी है, आप इस स्मार्टफोन के और जा सकते हो। बिग बैटरी मिल जाती है, 6000mAh की बैटरी। अगर आपने हाई सेटिंग पे गेमिंग भी करनी है तो आपका जो बैटरी है वो जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली। गेमिंग करना चाहते हो, मल्टीटास्किंग करना चाहते हो, आपके लिए भी बेस्ट होने वाली, बिकॉज प्रोसेसर भी इसमें आपको तगड़ा देखने को मिल जाता है, जो कि गेमिंग के लिए परफेक्ट हो सकता है। अगर आपने गेमिंग के लिए स्मार्टफोन लेना है, मोटो की ओर जाना चाहते हो, आप जा सकते हो, बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। चेकआउट करना चाहते हो चेकआउट कर सकते हो, अगर परचेज करना है परचेज भी कर सकते हो। आगे बात करते हैं नंबर थ्री की। नंबर थ्री की बात करूं, नंबर थ्री पर यार मैंने रखा है Realme 8 Pro को। तो सबसे पहले इसका प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है, 17,000 के प्राइस रेंज से अपर जा सकता है। भाई अगर आपका बजट 17,000 से कम है तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूं आप Realme 8 की ओर जा सकते हो, या Realme 8 5G की ओर जा सकते हो, अगर आपको Realme का ही स्मार्टफोन चाहिए। ये तीन वेट जो स्मार्टफोन है आपको लाइक 15,000, 16,000, 17,000 या 18,000 के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाते हैं, Realme 8, Realme 8 5G एंड Realme 8 Pro। ठीक है, इनमें से जो भी स्मार्टफोन आपको सही लगता है आप
जा सकते हो, लेकिन मैं आपको स्पेसिफिकेशन बताऊंगा Realme 8 Pro के। अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूं, आपको मार्च 2021 मॉडल देखने को मिल जाता है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। चिपसेट की बात करूं, आपको स्नैपड्रैगन 720G देखने को मिल जाता है, जो कि 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। तो इसका प्रोसेसर भी तगड़ा है, इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, दो विड में स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, क्वाड कैमरा मिल जाता है 108 मेगापिक्सल के साथ, जिस पर आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो, प्लस 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। लेकिन सेल्फी में आपको लाइक 1080p ऑप्शन मिलता है, 4K ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन सेल्फी में आपको कैमरा एप्लीकेशन में ऐसे कई फीचर्स मिल जाते हैं जो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग को, फोटोज़ को बहुत आगे तक लेकर जा सकते हैं। आपको 4500mAh की बैटरी मिल जाती है, 50W की आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करता है, 4 कलर्स में देखने को मिलता है। माइनस पॉइंट सिर्फ एक है कि आपको प्लास्टिक फ्रेम में देखने को मिलेगा, तो केस डालकर इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया Realme 8 Pro के। अभी माइनस पॉइंट सिर्फ इसकी बैटरी देखने को मिलती है। अगर आपको बिग बैटरी चाहिए तो आपको 4500mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो मैं और स्मार्टफोन बताऊंगा उनमें से आपको 6000mAh की बैटरी तो मिनिमम देखने को मिली जाती है। तो आप देख लेना, अगर आपने इस स्मार्टफोन की ओर जाना है भैया, आप इस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो। इसका प्रोसेसर तगड़ा है, लेकिन अगर आपको Realme का ही स्मार्टफोन चाहिए, मैंने आपको पहले भी बता दिया, अगर आपका बेट 17500 हो जाता है या 18000 हो जाता है, आप इस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो। अगर आपका बेट 17000 से भी कम है, तो Realme 8 या Realme 8 5G आपके लिए बेस्ट डील हो सकती है। तीनों के जो बाइंग लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जो आपको सही लगता है भैया आप उसके और जा सकते हो। ज़्यादातर फर्क नहीं देखने को मिलता है Realme 8 एंड Realme 8 5G में। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो इसका जो कैमरा है वो सच में अच्छा देखने को मिल जाता है। अगर आपको कैमरा मैटर करता है, तो Realme 8 Pro जो है आपके लिए बेस्ट डील हो सकता है। आगे बात करते हैं नंबर टू की बात करूँ पे यार मैंने रखा है पोको X3 को। इसको नंबर टू पर रखने का एक रीज़न है, बिकॉज 2020 में बहुत बिका, बहुत लोगों ने पसंद किया। अगर आपने हाई सेटिंग पे गेमिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, कैमरे के अकॉर्डिंग चाहिए, या अगर आपको अच्छा डिज़ाइन चाहिए, आपके लिए बेस्ट डील होने वाला है। प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको बिग बैटरी देखने को इसमें भी मिल जाती है, मतलब 6000mAh की बैटरी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है। तो फुली लोडेड है, अगर आपको गेमिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, पहले भी बार बार रिपीट करते रहता हूँ कि आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए। अभी मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, आपको सितंबर 2020 मॉडल देखने को मिल जाता है, IPS LCD देखने को मिलेगी, जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलेगी, प्लस गोरिल्ला ग्लास 5G प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है, IP53 डस्ट प्रूफ रेटिंग देखने को मिल जाती है। चिपसेट की बात करूँ, स्नैपड्रैगन 732G इसमें भी देखने को मिल जाता है, जो कि 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। 3 ग्रेड में स्मार्टफोन देखने को मिलता है, क्वाड कैमरा मिल जाता है, 20 मेगापिक्सल के साथ सेल्फी मिल जाएगी, 6000mAh की बैटरी मिल जाती है, फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है। तो मतलब फुल्ली लोडेड है, बस IPS LCD देखने को मिलती है, जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है। अगर सुपर एमोलेड डिस्प्ले होती ना, तो फिर भी मैं इसको नंबर टू पर या नंबर वन पर ही रखने वाला था। तो अगर आपने जाना पोको X3 की ओर, आप जा सकते हो। अगर आपने इस स्मार्टफोन को चेकआउट करना है, भी आप चेकआउट भी कर सकते हो। 2020 में सबसे ज़्यादा बिकने वाला या तो पोको X3 है, या फिर Redmi Note 9 Pro Max है, इस प्राइस रेंज में, ठीक है। तो भाई आप देख लेना, जो भी आपको सही लगता है, आप उस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो। बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया, अगर आपने चेकआउट करने हैं चेकआउट कर सकते हो। आगे बात करते हैं नंबर वन पे यार मैंने रखा है लेटेस्ट स्मार्टफोन को। मैं बात करूँ Redmi Note 10 Pro की। भाई अगर आपने इस स्मार्टफोन की ओर जाना, आप इस स्मार्टफोन की ओर भी जा सकते हो। 17000 के प्राइस रेंज में आपको पूरे ही देखने को मिल जाता है। बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है। बात करूँ मैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, तो मार्च 2021 मॉडल देखने को मिल जाता है, 6.67 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ आती है, गोरिल्ला ग्लास 5G प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है, IP53 डस्ट प्रूफ रेटिंग मिल जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 11 मिल जाता है, चिपसेट 732G देखने को मिल जाता है, 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है, 108 मेगापिक्सल के साथ क्वाड कैमरा मिल जाता है, 4K वीडियो ऑप्शन भी मिल जाता है, 5020mAh की बैटरी मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, 3 कलर्स में देखने को मिलता है, फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये स्मार्टफोन भी फुली लोडेड है। तो अगर आपने Redmi की ओर जाना है, आप भी Redmi की ओर भी जा सकते हो। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया Redmi Note 10 Pro के भी। अगर आपने इस स्मार्टफोन की ओर जाना है, भी आप इस स्मार्टफोन की ओर भी जा सकते हो। तो यार अभी कंक्लूजन की बात करते हैं, तो सीधी सी बात है भाई, अगर आपको Redmi का स्मार्टफोन चाहिए, मैंने वो आपको वो भी बता दिया, Poco का चाहिए वो भी बता दिया, Realme का स्मार्टफोन भी बता दिया, Moto भी बता दिया, Samsung भी बता दिया, तो कंक्लूजन ये है, तो सीधी सी बात भी, अगर आपको बिग बैटरी चाहिए, तो Realme का स्मार्टफोन आपके लिए नहीं बना, बिकॉज उसमें आपको 4500mAh की बैटरी देखने को मिलती है। एंड अगर आपको गेमिंग के लिए चाहिए, मल्टीटास्किंग के लिए चाहिए, तो सैमसंग गैलेक्सी M31S जो है वो आपके लिए नहीं बना, बिकॉज उसमें आपको Exynos 9611 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि लाइक गेमिंग के लिए बेस्ट नहीं है। लेकिन जो मैंने आपको 4 स्मार्टफोन बताए, वो गेमिंग के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए बेस्ट होने वाले हैं।
जो भी आपके प्राइस रेंज में सेट बैठता है, जो भी आपको ब्रांड सही लगता है आप उसकी ओर जा सकते हो। बाइंग लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, चेकआउट कर लेना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो के साथ कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भेज देना, उनको भी कह देना कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक एंड इंस्टाग्राम पे कर फॉलो। लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।